बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कितने बेहतरीन कलाकार हैं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर उन्हें अमिताभ बच्चन जी को बेहतर कलाकार के अलावा ईमानदार कलाकार भी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, खासतौर से फाइट सीन में। फाइट सीन में बहुत कम डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं अमिताभ बच्चन, ज़्यादातर उन्होंने फाइट सीन खुद ही किए हैं फिल्मों में, और इसके चलते कई बार उन्हें जख्मी भी होना पड़ा, घायल भी होना पड़ा, हॉस्पिटल भी गए, हड्डियाँ भी टूटी, लेकिन वो अपना काम करते रहे। कई बार तो अमिताभ बच्चन ने सिर्फ और सिर्फ अपने फैन के खातिर स्टंट सीन किए ताकि फैन का विश्वास उन पर बना रहे। एक बार का किस्सा है, जब अमिताभ बच्चन कहीं आउटडोर में शूटिंग कर रहे थे और सीन कुछ ऐसा था कि उनको एक ब्रिज से नीचे कूदना था, तो सेफ्टी के लिए कुछ गद्दे वगैरह रखे थे। उस जमाने में ज़्यादातर गद्दे वगैरह रखे जाते थे, बॉक्स वगैरह रखे जाते थे, तो कुछ गद्दे वगैरह तो सेफ्टी के लिए रखे हुए थे, और साथ में ये शॉट जो था कूदने का, ये डुप्लीकेट करने वाला था। अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट तैयार हो गया शॉट देने के लिए, लेकिन शूटिंग देखने शहर के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और अमिताभ बच्चन के फैन थे वो लोग। ऐसे में अमिताभ बच्चन को लगा कि अगर इस शॉट को अगर मेरा डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट ब्रिज से नीचे कूदेगा, तो मेरे दर्शक लोग इस बात को देखेंगे और उनका जो विश्वास मेरे ऊपर बनाए कि ये सारे स्टंट सीन मैं करता हूँ, फाइट मैं करता हूँ, वो विश्वास टूट जाएगा। ऐसे में अपने फैन के विश्वास को कायम रखने के लिए अमिताभ बच्चन ने फाइट डायरेक्टर और डायरेक्टर से कहा कि ये शॉट मैं दूंगा, यानी कि इस ब्रिज से मैं खुद कूदूंगा, डुप्लीकेट की ज़रूरत नहीं है। तब फाइट डायरेक्टर और डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन को समझाया कि ये बहुत खतरनाक शॉट है, कुछ ऊंच नीच भी हो सकती है, तो आप ये शॉट ना दें, इसका जो एक्सपर्ट है, फाइटर लोग एक्सपर्ट होते हैं ऐसे शॉट देने में, ट्रेन होते, तो आप उन्हीं को करने दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर इंडस्ट्री का बहुत पैसा लगा है, अगर कुछ तरह से चोट लग गई या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन अमिताभ बच्चन जीत में आ गए, कहने लगे कि नहीं, फैंस के सामने मैं इस तरह के शॉट खुद दूंगा ताकि फैंस का विश्वास मेरे ऊपर बना रहे। उन्हें लगे कि जो वो पर्दे पर देखते हैं वो अमिताभ बच्चन ही करता है, उनका कोई डुप्लीकेट नहीं करता। इस तरह अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस का विश्वास कायम रखने के लिए वो शॉट खुद दिया। तो इस तरह के हैं अमिताभ बच्चन, इसीलिए शायद वो महान नायक है। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा, छोटी सी कहानी, ऐसी बहुत सारी किस्से की बहुत सारी कहानी हमारे पास मौजूद है। अगर आप उन किस्सों कहानियों से जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल सिनेमा को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।